गोलू देवता मंदिर, जितई का गोलू देवता का मंदिर है, ये न्याय का देवता कहते हैं इसे। घोड़ाखाल, चंपावत और चितई, यहाँ पर जिसे न्याय का देवता कहते हैं, कोई भी अगर गलती हो तो यहाँ पर तुरंत उस पर माफ़ी मिल जाती है। और ये सामने गोलू देवता जी हैं, आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। यहाँ पर चिट्टियाँ देखिए, तरह तरह की चिट्टियाँ हैं, सब चिट्टियाँ इस पर आपको दिख जाएंगी। और जिस जिसकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है वो यहाँ पर चिट्ठियाँ लिखता है और उसकी मनोकामना। देखिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, किसी ने गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का भी लिखा हुआ है, इसमें दिखाता हूँ आपको क्या लिखा हुआ। देखो ये लिखा, जय श्री चितई गोलू देवता की, श्री जय देवता प्रकाश चंद तिवारी हैं कोई, उन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट इंडिया का उत्तराखंड का पूरी चिट्ठियाँ आप इनको यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। ये अल्मोड़ा से 12-13 किलोमीटर के आसपास है। इसके आगे आपको जागेश्वर मंदिर मिलेगा, और जागेश्वर जो है वो अपने आप में एक पिकनिक स्पॉट बोलो या कई हमारे मूवी में बॉलीवुड की उनमें दर्शाया गया है उनको। और ये देखिए ये आपको पूरा मंदिर, और तो जीते हुए अपने आप में। और जागेश्वर कहते हैं एक ही रात में मंदिर को बनाया गया है। और ये आपको पूरा देखिए सामने का व्यू है, और एक मंदिर ऊपर, और मेन जो मैंने आपको गर्भगृह दिखाया था गोलू देवता का वो है, और इसके न्याय का गोलू देवता कहते हैं। और कतूरी राजा झलराई वो पिता तुम्हारे ही कहते हैं, उनके उनके वहाँ पर था, और नीलकंठ पर्वत पर ये है। और ये अपने आप में ना एक जिसे कहते हैं बहुत ही प्राकृतिक, अपने आप में अनोखा, मैं तो सबसे कहता हूँ एक बार जरूर आइए यहाँ पे। और आने के बाद यहाँ पे देखिए ये हवन कुंड है, यहाँ पर आरती है जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और वो होता है यहाँ पे पूरा क्षेत्र का कुमाऊँ का है। और यहाँ पर जब किसी की कहते हैं रानी की कोई पुत्र उत्र नहीं हुए थे, तो उसके बाद वो झालू एक राजा थे, उन्होंने अपना इसका करवाया, फिर उनका पुत्र हुए, तो तब से ये ना अपने आप में मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण होते ही क्या कोई अपने अपनी घंटियाँ चढ़ा देते हैं, या कोई ये